राजीवनगर में दो बच्चियों की मौत हो जाती है और पीएमसीएच में ले जाके कहा जाता है कि हॉस्पिटल में मौत हुई है, जबकि हॉस्पिटल के लोग कह रहे हैं कि मृत्यु पाई गई थी। तो ये मुजफ्फरपुर से लाई हुई बच्ची यहाँ कैसे उसकी मौत हो गई, ये बहुत बड़ा विषय है। मनीषा दयाल जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और वर्तमान मंत्री के बहुत करीबी लोगों में से हैं, यो जो पूर्व मंत्री श्याम रजक जी हैं या फिर आपको कृष्णनंदन वर्मा जी हैं, यानी जदयू के करीबी लोगों में से हैं और नीतीश कुमार जी लगातार चुप बैठे हुए हैं, उनको शर्म नहीं आ रही है, उनको अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। लगातार पूरे बिहार में जितना भी इस तरह का सेंटर चल रहा है, जो भी एनजीओ चल रहा है, सब जगह ये गोरख धंधा चल रहा है और नीतीश कुमार जी को इसका पूरी तरह से जिम्मेदारी लेते हुए उनको इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन शुरू हुआ है वो उनको नहीं छोड़ेगा जब तक कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। युवा राष्ट्रीय जनता दल लगातार आंदोलन जारी रखेगा। 19 तारीख को पुनः धरना है, महाधरना है, अगर उसके बाद भी वो नहीं देंगे तो फिर हमारा राष्ट्रपति राजभवन मार्च है, उसके बाद भी नहीं देंगे, आगे का कार्यक्रम तय होगा। बिहार की जनता सड़क पर उतरने को तैयार है, नीतीश कुमार को एक मिनट भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।